आपका स्वागत है माँ पापा रसोई में। आज हम बनाएंगे कुंदरू की बहुत ही चटपटी मसालेदार सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है, रोटी चावल दोनों के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो रेसिपी को आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कुंदरू की सब्जी बहुत ही यमी होती है, बच्चे बड़े सब बहुत ही शौक से खाएंगे। तो हम अब कुंदरू ले लिया है, कुंदरू को हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कुंदरू को अच्छे से धो लिया है। कुंदरू को हम चार चार पीस में कट करेंगे। देखिए इस तरह से सभी कुंदरों को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब लेंगे एक पैन, पैन में डालेंगे हम तेल थोड़ा सा 2 चम्मच लगभग। फिर तेल को गर्म होने देने के बाद सभी कुंदरों को डाल के हम इसको सेलो फ्राई कर लेंगे। 5 या 7 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया और थोड़ा सा फ्राई भून लेंगे। फिर देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं, ये इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया। इसको हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। फिर उसी पैन को लेंगे, उसमें डालेंगे हम तेल लगभग 2 चम्मच ही। फिर इसमें डालेंगे हम जीरा, फिर डालेंगे हम राई या सरसों जो भी बोला जाता है। फिर इसको हम अच्छे से चटकने देंगे। ये अच्छे से चटक गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का कूटा हुआ या पेस्ट डाल सकते हैं, मैं कूट ली हूँ इसको अच्छे से। फिर इसको 2 सेकंड के लिए भून लेंगे। 2 सेकंड भूनने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा खुशबू अच्छी आ रही है। फिर इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च कटा हुआ। फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, हाई फ्लेम पे भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए लगभग लगभग भून गया है, थोड़ा सा और भून लेते हैं। देखिए इसका अच्छे से कलर चेंज हो जा रहा है, ये बहुत अच्छे से भून गया है, गोल्डन हो गया है। ये अच्छे से भून जाने के बाद इसमें हम डालेंगे मसाला, हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, फिर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट, टमाटर हुआ, टमाटर का पिसा हुआ, आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं। फिर इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे जब तक इसका तेल ना छोड़ दे, तब तक भून लेंगे। देखिए अच्छे से तेल छोड़ दिया है मसाला, इस तरह कंटिन्यू भून लेंगे। फिर इस तरह से मैश करते हुए टमाटर को भूनेंगे ताकि प्याज अच्छे से मैश हो जाए। देखिए मसाला लगभग अच्छे से भून गया है, तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ कुंदरू, सभी कुंदरू को डाल देंगे। कुंदरू को डालने के बाद इसको फिर से मिक्स कर देंगे अच्छे से मसाला में, 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भूनेंगे। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक्कन लगा देंगे। ये बहुत अच्छा कलर आ रहा है ना, फिर पानी इसलिए डाले हैं ताकि अच्छे से पक जाए। फिर ढक्कन लगा के इसको 5 या 8 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। फिर ढक्कन हटा के फिर से चेक कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा कुंदरू का पानी सूख गया है, कुंदरू लगभग पक ही गया है। फिर हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करेंगे, आप चाहे तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। फिर हम इसको फिर से ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट पकने देंगे। 2 से 3 मिनट पकने के बाद इसका ढक्कन फिर से हटाएंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, लो फ्लेम पे ही पकाना है। फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए कुंदरू की सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गई है, बहुत ही मसालेदार कुंदरू की सब्जी बन के तैयार हो गई है। इस तरह से आप कुंदरू अगर बनाएंगे तो बच्चे बड़े बहुत ही शौक से खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। एक देखिए मैं कुंदरू को आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अच्छे से पक गई है कुंदरू, बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से भी आप एक बार कुंदरू बना के ज़रूर देखिएगा। ये लहसुन प्याज अदरक वाली कुंदरू जो होते हैं ना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से बना के तैयार करने के बाद इसको हम गर्म गर्म सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।